फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी सुबह की जो मतलब सुबह में जितने भी काम होते हैं, पूजा पाठ सारा ख़त्म हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में दलिया बनाने, मूंग दाल में मिक्स करके। और इनको देख लीजिए, इनकी मस्ती हो रही है। तो इसको भी थोड़ा सा कैमरे में मैंने कैच कर लिया है। तो ये मूंग और दलिया है, आधी मूंग है, आधी कटोरी दलिया ली हूँ। और इसको मैं धुल ली हूँ दो बार, और उसके बाद इसमें अदरक डाल दी हूँ, नमक। और जो है, आप चाहे तो अदरक पीस के भी डाल सकते हैं, मैं इसे ग्रेट कर दी हूँ। और आधा नींबू का जूस डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जो मूंग की मतलब महक आती वो नहीं आता है। और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी एक पिंच, और इसको दो सीटी आने तक गैस पे रख दूँगी। जब तक ये दलिया हमारा बना है, तब तक मैं सुबह में कपड़े वाश की थी उसको फैला ले रही हूँ। और आजकल छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आंगन काफ़ी बड़ा है, तो धूप यहाँ बहुत अच्छी आती है और सारे कपड़े मेरे यहीं आंगन में सूख जाते हैं। और रस्सी बांध दी हूँ तो सारे कपड़े मैं आंगन में ही डाल देती हूँ। और जब बारिश आता है तब थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो सारे जितने भी कपड़े हों मैं धुल के फैला देती हूँ, और शाम तक सारे कपड़े जो पतले वाले होते हैं सारे सूख जाते हैं। तो मोटे वाले रात में उतार लेती हूँ, पतले वाले शाम तक सूख जाते हैं। और ये देखिए, आज मतलब ये सोफे का कवर, कुशन, बेडशीट, बहुत ढेर सारे कपड़े थे, तो ज़्यादा मतलब तीन तरह की रस्सी बांधी हूँ तीन लाइन में। उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद इनका नहाने का टाइम हो गया है, नहा लिए। और इधर हमारा जो है दलिया भी बनके हो गया तैयार, तो इनको मैं नाश्ता करा दूँ, उसके बाद बाकी सब लोग खाएंगे। और जो है दलिया बनाने के बाद मैं दोपहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं मैं गले में खूब ढेर सारा पाउडर लगाई हूँ, और फैन चल रहा था तो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन की आवाज़ आ रही थी वीडियो में, तो इसलिए म्यूट करना पड़ा। और इतनी गर्मी हो रही है कि एकदम से दिमाग ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं मुझे कितना पसीना हुआ है। तो शाम हो चुका है, और शाम की अभी हमारी चाय नहीं हुई है, सोए थे, उसके बाद सो के उठे, थोड़ा सा चले गए थे मार्केट, कुछ काम था और काम भी नहीं हुआ, वहाँ से आने के बाद सो गए। और ये देखिए, जो कपड़े सूखे हैं उसे मैं ले आई हूँ, इसे तहा के अलमारी में लगा दूँगी। और जो है यही सब है। और सोची थी कि मतलब मॉर्निंग से पूरा इवनिंग नाइट तक का मैं रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन आलस लग जाती है कभी कभी, तो फिर नहीं हो पाता है। तो जो भी हुआ है उसे मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और जो है क्या क्या मैं मेरे डेली का काम है, क्या क्या करती हूँ डेली, वही सब आप लोग से शेयर करना है, इसीलिए ब्लॉगिंग करती हूँ। तो जैसे आप लोग मेरे जो है चैलेंजिंग वीडियो पे और जो रिक्वेस्टेड वीडियो होते हैं उस पे आप लोग जैसे प्यार दिखाते हैं, वैसे ब्लॉग पे भी प्यार दिखाइए, उस पे भी अच्छे खासे व्यूज लाइए, सपोर्ट करिए मेरा। और इधर देखिए, सारे कपड़ों को तह कर दूंगी, और इधर ये बैठे हैं, और ये कहाँ पे बैठे हैं, ये जो है पॉटी कर रहे थे, इनको पॉटी आई थी तो ये बैठे हैं, तो बिटिया ने थोड़ा सा इनका भी कर लिया है, ये देखिए दिखा दे रही है। और ये बैठते हैं तो कहते हैं मम्मा हाथ पकड़ो, नोज को कैंची से बता रहे हैं ऐसे करिए, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ कंघी करने, और शाम में थोड़ा सा हल्का सा गर्मी कम हुआ था तभी कंघी करने आई हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में शाम की चाय बनाने, और शाम की चाय मतलब बेटियाँ बनाती हैं, तो आजकल मेरी बड़ी बेटी है नहीं, ननिहाल गई है, छोटी बेटी है, तो आज उसका मन नहीं था, कहीं मम्मा आप चाय बना दीजिए, तो वही चाय बन रही है। और जा रही हूँ कचरी तलने, तो ये होम मेड है, जो घर पे मैं बनाई थी होली में, वही है चिप्स पापड़ कचरी, तो वही तल रही हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद तल रही हूँ। तो इधर मतलब इधर कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, जो भी था वही हो जाता था, ब्रेड जीरा यही सब, आज काफ़ी दिन बाद तली हूँ, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चिप्स पापड़ और चाय। और ये होममेड कचरी बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करिए इसे बनाने में, और साल तक रखे रहिएगा, पूरे तो ख़राब नहीं होता है, बस कभी कभी बारिश में धूप दिखा दिया करिए तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी चाय के साथ एक कुरमुरी सी कचरी खाने के लिए, हमारे साथ शाम के चाय का आनंद लीजिए।
और जो है मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताया करिए, कमेंट किया करिए। और ये देख लीजिए, ये भी हेलो बोल रहे हैं, आ गए हैं बैठ के। ये भी सोए थे, सो जाते हैं, उसके बाद उठे हैं, ये भी खा रहे हैं, इनको बहुत पसंद है। ये होममेड, बाज़ार वाला उतना नहीं खाता है जितना घर का खाता है, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा और फ़ायदा रहेगा, तो इसलिए ये होममेड है। और मैं ली हूँ गिलास में चाय, और ये हो गया है शाम का टाइम, तो आज मैं जा रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाने। तो इसकी रेसिपी एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो दोबारा से कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले ये एक पाव के करीब पनीर है 250 ग्राम, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च और अदरक, तो इसे मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर रख दूंगी। उसके बाद नींबू डाल दूंगी आधा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और इसे मैं मिला दूंगी और थोड़ा 15 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद तब तक मैं ये जो वेजिटेबल्स कट की हूँ, ऑनियन है, कैप्सिकम है, तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और ये प्याज जो है चार टुकड़ों में काट के स्लाइस में निकाल ली हूँ इसे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाइएगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना भी था ये। तो ये देखिए फ्राई हो गया। अब इसमें मैं शिमला मिर्च, सेम तेल जो बचा था उसी में शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लूँगी। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी को बनाने में, तो जो भी सामान आपके घर में उपलब्ध हो झटपट से बन जाती है। तो आज मन किया था तो इसलिए बन गया, पनीर भी था तो हमने कहा कि चलो बना लेते हैं आज, और मटर भी था तो मटर पनीर बनाने का मन नहीं किया, हमने कहा चलो आज कढ़ाई पनीर बनाते हैं। तो तड़के में मैंने जीरा डाला, एक इलायची और 2-3 लौंग, काली मिर्च, उसके बाद लहसुन कट करके, अदरक, हरी मिर्च और प्याज मोटे मोटे स्लाइसों में कट लिए हैं। और ये बड़े साइज की एक प्याज है, और जो मैं पहले फ्राई की हूँ वो भी एक प्याज थी बड़े साइज की, तो ये थोड़ा सा कुक हो गया। उसके बाद मैं 2 टमाटर बड़े साइज का कट के डाल दूँगी इसे, और ज़रा सा नमक डाल के इसको मैं ढक के पकाऊँगी। और आप लोग ये देखिए, ये पक चुका है, थोड़ा सा और इसे मैं पकाऊँगी। और इधर देख लीजिए, ये पक चुका है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, ठंडा हो जाएगा, फिर इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं कढ़ाई को थोड़ा सा साफ करके फिर इसमें ऑयल डाली हूँ, आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, घी, बटर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये जो है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर करिएगा, और बहुत ही अच्छा पनीर की सब्ज़ी ये बन के तैयार होगी। उसके बाद मैं एक जो है दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता तड़के में डाल दी हूँ, और ये देखिए इसे ग्राइंड कर लूँ, आप चाहे तो इसे छन्नी से छान लीजिए, लेकिन मैं बस अपने घर में बना रही हूँ, किसी और को खाना नहीं, तो इसे मैं नहीं छानी हूँ। और आप लोग अगर बनाइए तो इसे छान लीजिए, जिससे कि स्मूथ सा पेस्ट हो जाए, इसमें जो भी खड़े मसाले थे वो मतलब पता ना चले। तो ये मेरा भुन गया है, उसके बाद मैं हल्दी डाल दी हूँ और धनिया पाउडर डाल दी हूँ, और जो है ये है पनीर मसाला, उसको भी ऐड कर दी हूँ। इस टाइप में मैं 2 स्पून इसमें बेसन ऐड की हूँ, छोटा स्पून था तो 2 स्पून डाली हूँ, इससे हमारी ग्रेवी बहुत थिक और गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। तो आप लोग अगर चाहें तो बेसन मत डालिए, मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें 1 स्पून भर के कसूरी मेथी ऐड कर दी हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो ग्राइंडर में मसाले लगे थे उसमें पानी डाल के मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भूनना है हमें, जब तक कि इसमें तेल ना आ जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला बनके हो गया तैयार। उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल दूंगी जो फ्राई करके रखी थी। इसमें कलर थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, लेकिन कलर बहुत अच्छा था, क्योंकि रात का समय है और किचन में थोड़ी सी लाइट की कमी है, इसलिए आप लोग को इसका कलर थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है, नहीं तो कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत मतलब टेस्टी थे। तो इसे अब हम ढक देंगे, ढक के बॉयल आने तक पकाएंगे, और जब ये हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से पक जाएगी उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और पनीर। तो ये देखिए धनिया की पत्ती हम डाल दिए हैं, आप चाहे तो बाद में भी डालिए, लेकिन इस तरह से डालने पर इसका धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें हम पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यही पनीर की सब्जी है, खूब अच्छी से रोटी, पराठा, तंदूर किसी भी साथ खाइए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।